नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। जनपद अमरोहा के कोतवाली हसनपुर में आज 10 जनवरी को नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग करने, हिंदी को लोकप्रिय बनाने और नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन को निरंतर सहयोग प्रदान करने वाले हिंदी वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। सम्मान में सोल वेब डायरी और कलम पत्रकारों को भेंट में दी गई। फाउंडेशन की जनपद इकाई के अध्यक्ष इकरान अली के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वीर सिंह चौहान के अध्यक्षता, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुजाहिद चौधरी के मुख्य आतिथ्य और जिला महासचिव ब्रह्मदत्त त्यागी के संचालन में संपन्न इस विशेष कार्यक्रम में हसनपुर क्षेत्र के सभी पत्रकारों, संवाददाताओं को उनके कर्तव्य निर्वहन और हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने और फाउंडेशन को निरंतर सहयोग करने के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के वरिष्ठ एडवोकेट, पर्यावरणविद, लेखक और कवि मुजाहिद चौधरी को तहसील बार हसनपुर का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर फाउंडेशन द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुजाहिद चौधरी एडवोकेट द्वारा सभी मीडिया कर्मियों और फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया। अपने स्वागत पर धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि तहसील बार का निर्णय पूरे देश के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति मिली जुली है। इसमें सारे धर्मों, जातियों, पंथों, भाषाओं और विचारों को एक साथ फलने फूलने का, विकसित होने का अवसर प्राप्त है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान भी इसी बुनियाद पर आधारित है और फाउंडेशन में सभी जाति, धर्म और समाज के व्यक्तियों का स्वागत है। फाउंडेशन बिना किसी जाति, धर्म, पंथ, भाषा और क्षेत्र के आधार पर सभी गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित, हाशिए पर रहने वाले नागरिकों, बाल श्रमिकों, कूड़ा बीनने वाले बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने सभी नागरिकों और पत्रकारों से अपना सहयोग जारी रखने का अनुरोध किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वीर सिंह चौहान द्वारा सभी पदाधिकारियों को संस्था के प्रेरणा स्रोत गंभीर सिंह पीसीएस और राष्ट्रीय अध्यक्षा अंजलि सिंह फाउंडेशन को नई दिल्ली में भारत रत्न अटल श्री सम्मान 2019, लखनऊ में यूपी रत्न 2019 और 3 जनवरी 2020 को मलेशिया में मिलने वाले इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड 2019 पर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को बधाई दी गई और उनसे निरंतर समर्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया गया। फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा इस अवसर पर हर्ष व्यक्त करते हुए मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। जिलाध्यक्ष इकरान अली ने गंभीर सिंह, अंजलि सिंह, सुरेश पाल सिंह, मुजाहिद चौधरी, संजय कुमार, अनुजा वाजपेयी, वीर सिंह चौहान सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनकी प्रेरणा से तन मन धन से समर्पित होकर फाउंडेशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की घोषणा की। कार्यक्रम में पुनीत कुमार अग्रवाल, ब्रह्मदत्त त्यागी, देवराज प्रधान, मुमताज अहमद, जोगिंदर राणा, सलाउद्दीन मंसूरी, विजेंद्र राणा, सोनू कपासिया, मनोज कुमार, पंकज वर्मा, सचिन गुप्ता आदि दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे इस सहयोग में, हमारे इस काम में पत्रकार बंधु निरंतर हमारा सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं और फाउंडेशन की मदद करते हैं उनको सम्मानित करने के लिए, और संस्था के तमाम उन कार्यकर्ताओं को बधाई देने के लिए, संदेश देने के लिए आयोजित किया गया। तो अपने पत्रकार बंधुओं को समर्पित करना चाहता हूं कि उनके सहयोग के बिना हमारा ये लड़ाई अधूरी है, हमारा मिशन अधूरा है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से कमिंदर सिंह की रिपोर्ट।